स्क्रीनिंग में हमने जो क्षेत्र बढ़ा दिया था, कल हमने खजराना क्षेत्र में भी किया था और चंदन नगर क्षेत्र में भी कल स्क्रीनिंग की टीम से हमने बढ़ा दी थी। कुल मिला के लगभग 250 टीमें हमारी क्षेत्र में उतरी हुई हैं, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और एक शिक्षक उनकी मदद के लिए है। और कल करीब 2500 के लगभग लोगों का परीक्षण हम लोगों ने किया है और उनमें से 25 लोग ऐसे थे जिनको कुछ सर्दी खांसी थी, हालांकि उनमें कोरोना जैसे कोई सिम्टम नहीं पाए गए थे और उनमें से किसी का भी सैंपल करने की आवश्यकता नहीं थी, उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया गया था और वो घर पर ही आए। कल हमारी टीम के द्वारा करीब 450 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया और लगभग 50 लोगों को हम लोगों ने जो अपनी इंस्टीट्यूट्स बनाई हैं वहाँ पर एक क्वारंटाइन कराया है। सर, लगता नहीं कि टीमें कम हैं जो स्क्रीनिंग के लिए हैं, इसको टीमों के बढ़ाने में हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं कि रोज़ जो एक नया क्षेत्र हम लोग क्वारंटाइन कंटेनमेंट वाला लेते हैं वहाँ के लिए हम लगभग 40 से 50 टीमें बढ़ाते जा रहे हैं और वहाँ काम कराते जा रहे हैं। क्षेत्र के हिसाब से पूरा स्क्रीनिंग करना है और कोई भी क्षेत्र छूटेगा नहीं और कोई भी घर छूटेगा नहीं। सर, घर घर स्क्रीनिंग की बात की जा रही थी, क्या वो कब से संभव होगा? ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये घर घर स्क्रीनिंग ही है और प्रत्येक कंटेनमेंट क्षेत्र में ये स्क्रीनिंग का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। बल्कि जहाँ हमने प्रारंभ किया था रानीपुरा और राजपति वाकल में, वहाँ इसको किए हुए करीब 5 से 6 दिन भी हो गए। सर, रात भर जो कल आंकड़ा आया था उसके अलावा अभी तक कोई इजाफा नहीं, अभी इसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ। संभवतः शाम तक ये रिपोर्ट्स हमारी जो आज टेस्ट थोड़ा नीचे वो आएंगी। और कल हमने क्षेत्र में करीब 200 से अधिक सैंपल लिए हैं जो आज टेस्ट लगाए जाएंगे और उनकी रिपोर्ट शाम तक प्राप्त होगी। सर, निजी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी, येलो हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वहाँ के लिए आप लोग दिशा निर्देश दे रहे? कल कलेक्टर महोदय ने सख्त कदम उठाया है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इस वक्त जो इंदौर की जनता के लिए काम नहीं करेगा उसको आगे निभटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक आदेश भी पारित कर दिया गया है जिसमें विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाले चिकित्सक और जो उनके स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों को नाम के सहित आदेश दिया गया है कि वो अपने अपने काम पर लौटें। ऐसा लागू कर दिया गया है, उसकी भी सूचना दे दी गई है। आज सुबह से कई चिकित्सकों के मेरे पास फ़ोन भी आ चुके हैं और वो अपने कार्य पर लौट गए हैं। कुछ अस्पतालों को हम लोगों ने और बढ़ाया है येलो जोन में और कुछ बड़े अस्पतालों को रेड जोन में भी लेने की तैयारी चल रही है। आज संभवतः 11 बजे एक अस्पताल का निरीक्षण करने का कलेक्टर महोदय स्वयं जा रहे हैं और संभवतः उसको आज फाइनल कर देंगे। सर, ये तो हुए कंटेनमेंट एरिया में स्क्रीनिंग की बात, लेकिन जो कंटेनमेंट नहीं है, जो प्रभावित नहीं है, ओवरऑल अगर पूरे शहर की स्क्रीनिंग की कोई योजना है? ये प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। अगर हम अपने कंटेनमेंट एरिया में ही पूरी तरह से कर लें, जहाँ लक्षण पाए जाते हैं वहाँ अगर कर लें तो मेरे ख्याल से हम लोग अपने शहर को सुरक्षित रख लेंगे। ओवरऑल कितनी टीमें लग जाएंगी अगर पूरा जो हमारा 65 कंटेनमेंट एरिया हमने जो बनाए हैं इनको पूरा करने के लिए हमें प्रत्येक जगह कम से कम 20 टीम हम अगर लगाते हैं तो 1300 करीब टीम हम लगा लेंगे।